नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 24 नवंबर 2022 को 6 जजमेंट्स हैं जो प्रोनाउंस की हैं। आइए हम उन जजमेंट्स को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की जजमेंट्स हैं। और 6 जजमेंट्स जो हैं वो सिविल मैटर से रिलेटेड है, सिविल अपील जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं। तो पहली जो जजमेंट है वो है सिविल अपील नंबर 8258 ऑफ 2022 की, जिसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, वो एक अपीलेंट है और रेस्पोंडेंट्स एक डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल है। तो दोस्तों, आज इस जजमेंट में ये है सेक्शन 45 सब पार्ट 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, उसके बारे में जो है ये इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है। अब यहाँ ये इशू ये उठ के निकल के आया था कि जो अमाउंट है, जो सरप्लस अमाउंट होता है, जो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स की अकाउंट में, कैपिटल्स अकाउंट में, तो क्या वो जो अमाउंट है जो दिया जाता है तो वो इनकम टैक्स के कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में काफ़ी एनालिसिस किया सेक्शन 45 सब पार्ट 4 का, और इसमें जो बताया कि फाइनली ये बताया कि जो सरप्लस अमाउंट है जो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स को, वो कैपिटल अकाउंट में अगर ट्रांसफर किया जाता है वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, यानी कि टैक्स के दायरे में आएगा। तो यहाँ पर यही हुआ था कि जो अमाउंट था वो पार्टनर जो रिस्पॉन्डेंट थे वो एक एसएससी थे, उन्होंने अपनी जो फर्म है रिकॉन्स्टिट्यूट की थी, और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद जो अमाउंट है वो जो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब असेसिंग ऑफिसर ने उस पर जो असेसमेंट की थी सेक्शन 143 सब पार्ट 3 के अंदर एनालिसिस किया था, असेसमेंट की थी, तो उसमें ये बताया था कि जो बाकी जो टैक्स बकाया बनता है वो सेक्शन 45 सब पार्ट 4 के अंदर आता है, तो उन पर इनकम टैक्स जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। तो यही ऑर्डर को अप्रूव कर दिया था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, लेकिन जब इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में जब गए तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था, और उससे एग्रीवेट होकर जो रेवेन्यू है वो, मतलब जो गवर्नमेंट है वो जो रेवेन्यू है, उन्होंने हाईकोर्ट में आगे अपील डाली, और हाईकोर्ट ने भी जो है ITAT के जो ऑर्डर को अफर्म्ड कर दिया था, यानी कि असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर था वो सेट असाइड हो चुका था, मतलब कन्फर्म उस ऑर्डर को सेट असाइड जो ITAT ने किया था उसको कन्फर्म कर दिया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट के और ITAT के जो ऑर्डर है उनको सेट असाइड कर दिया। और यही आइए हम इसके लीगल प्रोविजन जो फैक्ट्स हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं था क्या इसमें, ताकि हम और अच्छे से इसका एनालिसिस कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर यही था कि जो जजमेंट थी वो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया था 24 जून 2013 को, और जिसमें जो इनकम टैक्स जो अपील डाली गई थी 1074/2019 जो कि रिलेट करती है असेसमेंट ईयर 1993-1994 की, और जजमेंट ऑर्डर आया था 24 जून 2013 का जो कि इनकम टैक्स अपील थी 1174/2009 की, जो कि रिलेट्स करती है 1994 से लेकर 1995 का, और इसमें जो सेम असेसी थे वो सेम थे, और एक पार्टनरशिप फर्म थी। हाईकोर्ट ने जो अपील है उसको खारिज कर दिया था और कंफर्म कर दिया था कि जो रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स जो पास किए हैं इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल ने, और इसमें डिलीट कर दिया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है असेसिंग ऑफिसर ने जो दिए हैं वो एडिशन जो है वो नहीं कर सकते हैं असेसिंग ऑफिसर, तो रेवेन्यू ने फिर यहाँ पर अपील डाली थी। अब यहाँ पे फैक्ट्स ये आया थे कि फैक्ट्स के बारे में बताया गया कि रिस्पॉन्डेंट जो एसएससी है वो एक पार्टनरशिप फर्म है, उनके 4 पार्टनर्स थे, और फैमिली सेटलमेंट हुआ था 2 मई 1991 में, और रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के पास इतना इतना अमाउंट का शेयर आ गया था कि एक जो पहले पार्टनर उनका 25% का जो और प्रॉफिट शेयर था जो कि रिड्यूस कर दिया 12% पे, और बैलेंस 13% शेयर था, और 3 न्यू पार्टनर्स थे वो एडमिट कर लिए गए थे, और उनका जो शेयर है वो 11%, 1% एंड 1%। तो फिर उसके बाद 3 पार्टनर्स और रिटायर्ड हो गए थे पार्टनरशिप से, फिर उस पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसके बाद 4 पार्टनर्स और जो है
फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद चार पार्टनर्स जो है वो थे, इनके नाम बताए गए हैं। और फिर इसके बाद 1 नवंबर 1992 को जो फिल्म है फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट की गई और तीन मोर नए पार्टनर्स और डाले गए, जिसमें एक में एक पार्टनर के 18% के पार्टनर थे, दूसरे एक 9% और 9%, और एक जो प्राइवेट टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है उनको भी पार्टनर बनाया गया। तो कंट्रीब्यूशन ये था कि ये इन सारे पार्टनर्स के जो कंट्रीब्यूशन है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद बताया गया कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनरशिप डीड थी उसमें रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप में टू पार्टनर्स जो थे वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना कैपिटल है वो विड्रॉ कर लेंगे। और 1 जनवरी 1993 को एसेट्स ऑफ द फिल्म थे वो रिवैल्यूड किए गए और अमाउंट था 17.34 करोड़ का, वो क्रेडिट किया गया पार्टनर्स को अकाउंट्स के पार्टनर मतलब जो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था। और यहाँ पर दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उन्होंने अपना जो कैपिटल है जो कि 22-25 लाख था वो विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद न्यू पार्टनर्स जो है वो बेनिफिट हुए, जो बेनिफिट था क्रेडिट दिया गया था उनके कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन अमाउंट में, और एट दी एस 3.12 करोड़ जो था एक पार्टनर को दिया गया जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था 4.5 करोड़ का, 1.56 करोड़ का एक पार्टनर ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 2.25 करोड़ का, और 1.56 करोड़ का था जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 2.25 लाख का, सॉरी ये करोड़ का बता रखा है, यहाँ लाख बता रखा है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 4.5 लाख का, 1.56 करोड़ का जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 2.25 करोड़ का लाख का, और 1.56 करोड़ था जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 2.25 लाख का। और एक जो टेक्सटाइल फिल्म थी उन्होंने उनको 1.73 करोड़ का था जिन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे 2.5 लाख ओनली। अब यहाँ पे इसके बाद रिटर्न की जो रिटर्न इनकम थी वो असेसमेंट ईयर की फाइल की गई, और असेसमेंट ईयर में 1993-1994 में जो बताया गया रिटर्न दी गई 3,18,760 रुपीज़, और जो कि एक्सेप्ट कर ली सेक्शन 143 पार्ट 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद असेसमेंट रीओपन की गई अंडर सेक्शन 147 इनकम टैक्स के अंदर, और फिर से नोटिस अंडर सेक्शन 148 इनकम टैक्स के अंदर दिए गए, और रीअसेसमेंट को रीअसेस किया गया अंडर सेक्शन 143 सब पार्ट 3 अंडर रीड विद सेक्शन 147 डिटरमाइनिंग द टोटल इनकम जो बताई गई वो बताई गई 2,55,19,490। और एडिशनली एडिशन ऑफ जो है 17,34,86,772 वर मेड टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का भी बताया गया 17,34,86,772 अंडर सेक्शन 45 सब पार्ट 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और सिमिलरली जो एडिशन थी 1994 और 1995 में भी डाली गई। और एज पर द असेसिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंगली जो असेसमेंट जो हुई थी रिवैल्यूट की गई थी लैंड और बिल्डिंग की, जो कि वैल्यूएशन थी वो 21,13,000 की थी, जो कि बढ़ के 17,56,00,000 हो गई थी फॉर असेसमेंट ईयर 1993-1994। और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय जो वैसे एसेट्स के जो वैल्यू थे वो बढ़ गए थे 17,34,86,772। अब जो रीवैल्यूइंग ऑफ एसेट्स और सब्सिक्वेंटली जो क्रेडिट किया गया था रेस्पेक्टिव पार्टनर्स को, तो कैपिटल अकाउंट्स को जो ट्रांसफर किया गया था वो असेसिंग ऑफिसर ने बताया कि वो लायबल है कैपिटल गेन टैक्स अंडर सेक्शन 45 सब पार्ट 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के। और चूंकि लैंड और बिल्डिंग इन्वॉल्व थी असेसी ने भी क्लेम किया कि डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड असेसिंग ऑफिसर ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 के अंदर लगाया। और फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो ऑर्डर था वो कन्फर्म कर दिया, ऑर्डर 30 जुलाई 2004 का कि एडिशन ऑफ अकाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड हेल्ड की क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हैं, जो पार्टनर ने विड्रॉ भी किया अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। और कमीशन ऑफ इनकम टैक्स ने ऑब्जर्व किया कि जो वैल्यू थी फिल्म की वो कॉमनली बिलोंग करती है पार्टनर्स को और इरेवोकेबली ट्रांसफर टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू ईच पार्टनर। तो पार्टनरशिप ने जो कहा था कि पार्टनरशिप हैज इफेक्टिवली रिलिंक्विश्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एसेट्स एंड रिलिंक्विशेस कैन ओनली बी टर्म्स बाय द ट्रांसफर बाय द रिलिंक्विशर। तो फिर अकॉर्डिंगली
कंडीशन और जो थी सेक्शन 45 सब पार्ट 4 की, वो बताया कि सेटिस्फाइड होती हैं। और इसके बाद देखिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपील डाली गई और ITAT ने ऑब्जर्व किया कि जो डिसीजन ने दो जजमेंट्स पर रिलाई किया, ए एन नाइक एंड एसोसिएट्स एंड अदर्स और टेक्सास पेन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मुंबई सुप्रा इज एक्सेप्टेबल। और उसके बाद जो है ITAT ने जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था कि शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट टर्म, यहाँ पर ITAT ने बताया था कि जो रिवैल्यूएशन जो है एसेट्स की, जो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का जो ट्रांसफर नहीं इन्वॉल्व होता है। और अब यहाँ पर जो है आगे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उस ऑर्डर को, ITAT के जो ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। और इसके बाद जो है वो अपील डाली गई। अब यहाँ पर कंटेंशन यही उठाई गई थी कि एक तो सीरियस एरर्स किए गए हैं इन डिलीटिंग दी एडिशन मेड बाय दी असेसिंग ऑफिसर टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म गेन, और दूसरा बताया था कि जो एसेट्स हैं फिल्म्स के जो रिवैल्यूएट किए गए थे, जिसमें इंक्रीज की गई थी वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ 17.34 करोड़, रिवैल्यूड अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फिल्म इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्शन 45 सब पार्ट 4 के अंदर वो जो है वो बनता है, इसलिए सेक्शन 45 सब पार्ट 4 जो है वो एप्लीकेबल होगा। और लेकिन अब माननीय फिर अपोजिट साइड में जो था रिस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा था कि जो सरप्लस अमाउंट था वो क्रेडिट किया गया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और चूंकि जो सरप्लस अमाउंट अगर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर नहीं कहलाया जाता है सेक्शन 45 सब पार्ट 4 के अंदर। और इसमें बताया कि दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती होनी चाहिए, एक तो पहले की ट्रांसफर बाय द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स और ट्रांसफर ऑन द अकाउंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर दोनों जी कंडीशन हैं, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी पार्टनरशिप फिल्म्स की और रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, और सिर्फ ना ही कोई मतलब ये कि बताया कि जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 45 के वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं 45 सब पार्ट 4 के। अब कोर्ट ने अपना जो ओपिनियन था वो बताया, सेक्शन 45 को एनालाइज किया और कोर्ट ने बताया कि जो सेक्शन 45 ये है वो ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट का, और साथ में कोर्ट ने ये बताया कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स ये बनते हैं कि ट्रांसफर जो किया जाता है बाय द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फिल्म ऑन और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल्स और अदरवाइज शैल बी चार्जेबल टू द टैक्स एज पर द इनकम ऑफ द फिल्म एसोसिएशन ऑफ पर्पस। अब कोर्ट ने ये बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 45 जो ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या था कि वो प्लग द लूप होल बाय इंसर्टिंग सेक्शन 45 सब पार्ट 4 और ओमिशन कर दी और सेक्शन 42 सब पार्ट 47 सब पार्ट 2 को ओमिट कर दिया। इंट्रोडक्शन होने का सेक्शन 45 सब पार्ट 4 का पर्पस ये था कि जो क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 247 था उसको ओमिट किया जा सके। तो पहले क्या होता था कि जब सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2 सब पार्ट 47 जब बना हुआ था तब और सेक्शन 47 2 था जो एग्जेम्प्ट करता था कि किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एसेट्स हो वो डेफिनेशन के डेफिनेशन में ना आए। इससे क्या होता था कि असेसी जो होते थे वो काफ़ी जो कैपिटल गेन था वो रिवैल्यूएट करके ट्रांसफर कर देते थे और डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एंड देन ट्रांसफर, तो इससे रेवेन्यू को लॉस होता। तो इस तरह का जो है कोर्ट ने अपना एनालिसिस किया और कहा कि जो जजमेंट्स रिलाई की गई थी ITAT और हाईकोर्ट की वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो और इस बेसिस पे जो इम्प्यून जजमेंट और हाईकोर्ट की थी और ITAT की, वो कहा कि अनसस्टेनेबल है और उनको क्वेश कर देना चाहिए और डिजर्व टू बी क्वेश, और असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर था उसको वापस से रिस्टोर कर दिया। ये आज ही जजमेंट आई है 24 नवंबर 2022 की, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।